खुश रहो खुश रहो। नमस्ते आंटी। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। क्या नाम हुआ पापा की नाम है? मेरा नाम रूपवती है। हमारे पापा का नाम बेचन लाल। तब बेटा तुम्हारा नाम क्या हुआ और पापा का नाम क्या है? आप लोग को मेरे पापा और मेरा नाम नहीं पता है? No! जब नाम भी नहीं पता है तो लड़की देखने क्या आए हैं आप? पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? पांचवा तक की है, उसके बाद फिर घर का काम सब करने। वैसे पढ़ाई कहाँ तक की हो? कहाँ तक की हो का क्या मतलब? पढ़ाई तो अभी भी हम कर रहे हैं। शादी होने वाली है उससे क्या पढ़ाई थोड़ी छोड़ दिए। सही बताओ घर का काम कौन कौन काम कर लेती है? झाड़ू पोछा से लेके बर्तन बासन सब कुछ कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ तुम घर का काम कर लेती हो ना? पढ़ाई लिखाई से हमको छुट्टी नहीं मिलता है। छुट्टी मिलेगा तब ना घर का काम करेंगे। कौन सब्जी ऐसा है जकरा में हल्दी नहीं पड़ता है? कदीमा की सब्जी। कौन सा सब्जी ऐसा है जिसमें हल्दी नहीं पड़ता है? बिना हल्दी का कोई सब्जी बना है? वैसे कौन कौन चीज बना लेती है? रोटी सब्जी चावल दाल खीरो बना लेते हैं। तुमको सबसे ज्यादा क्या करना अच्छा लगता है? सबसे ज्यादा तो देख लीजिए आजकल तो सबको फोन चलाना सबको बहुत पसंद होता है। हमरा तो छोड़िए हमरा रील्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। खूब बनाते हैं रील्स। हाँ तुमको सबसे ज्यादा कौन चीज पसंद करना पसंद है? सिलाई करना खाना बनाना सबसे ज्यादा घर का काम करने में अच्छा लगता है। खाना बना लेती है? हाँ आता है ना बर्गर चाउमीन गोलगप्पा समोसा लिट्टी पनीर मटर पनीर मटन गुलाब जामुन ये सब सिर्फ खाने आता है बनाने के लिए नहीं आता है। तब मेरा सेवा सत्कार करेगी? No! जैसे आप बोलेंगे वैसे करेंगे। मेरा सेवा सत्कार में कमी नहीं करेगी? आपको सेवा सत्कार की क्या जरूरत है? आप तो ऐसे ये लग रहे हैं पहलवान जैसे। नहीं आंटी जी। कौन कपड़ा तुमको पहनना पसंद पड़ेगा? आप जो बोलेंगे पहनने के लिए वही पहनेंगे। शादी के बाद तुम कौन सा ड्रेस पहनना पसंद करेगी? शादी के बाद जो मेरा मन होगा वही कपड़ा हम पहनेंगे। अगर तुम्हारे घर पर 5 अतिथि आ गए क्या करेगी तुम? पानी पिला देंगे फिर खाना उना जो बोलेंगे सो बना देंगे। अगर तुम्हारे यहाँ 5 गेस्ट आ गए बेटा तो तुम क्या करोगी? गेस्ट जैसे ही आएंगे कुछ ना कुछ तो लेकर भी करेंगे मिठाई उठाई लेके आएंगे तो नाश्ता में मिठाई दे देंगे और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो चाय दे देंगे पेप्सी दे देंगे स्प्राइट दे देंगे बस ये सब दे देंगे हो गया फिर तो चलिए जाएंगे। देख लिए आपकी बेटी बहुत सज्जन सुपात्र है। हमारा लड़की बहुत नीक लगी है। लो बेटा आशीर्वाद समझ कर रख लो। आजकल जैसे होना चाहिए वैसी लड़की है अच्छी ही है। रिश्ता तो पक्का किया जाए। शादी फिक्स हो गई। ये लो 100 नेक समझ के ले लेना रख लो। ये क्या आंटी जी 100 में अब क्या होता है? 100 में बहुत कुछ होता है ले लो।